ने प्रधान सेवक बन के 140 करोड़ देशवासियों की जहां एक और सेवा की है, अपनी ईमानदारी से, अपने सुशासन से देश को आगे बढ़ाने का जहां काम किया है, सुशासन के नए आयाम स्थापित किए, वहीं गरीब कल्याणकारी योजनाओं की भरमार लगाई है, तभी तो 27% गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल पाए हैं। लगभग 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर देना, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस के उज्ज्वला सिलेंडर मुफ्त में कनेक्शन देना और 12 करोड़ परिवारों को नल से जल देना, 12 करोड़ शौचालय बनाकर देना, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में देना, 80 करोड़ गरीबों को अनाज एक नहीं 2.5 साल पूरे मुफ्त में दिए, और वहीं पर देश में जो विकास की गाथा है, सड़कें हो, हाईवे हो, रेल हो, अन्य योजना हो, वो भी रिकॉर्ड किया, जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, मोदी सरकार ने 9 वर्षों में किया। अनुराग जी, कांग्रेस ने जो है वो आरोप लगाया है कि भाजपा इस तरह के जितने मर्जी अभियान चला ले, 3 चुनावों में हार जो है वो भाजपा को मिली है और 4 लोकसभा चुनावों में हारी। पिछले लोकसभा में कांग्रेस चारों की चारों सीटें हारी, उससे पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस चारों की चारों सीटें हारी, और अब की बार 2024 में भी कांग्रेस चारों की चारों सीटें हारेगी, चारों पे कमल खिलेगा।